नमस्कार, ग्लोबल हेराल्ड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं कृतिका जैन और आइए नजर डालते हैं अभी की ताजा खबरों की ओर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सोमवार को जनपद पंचायत देपालपुर के सभागार में क्षेत्र की 117 पंचायतों के आरक्षण की प्रक्रिया संपन्न हुई। जनपद पंचायत देपालपुर के 117 पंचायतों के अंतर्गत सामान्य का आरक्षण SDM प्रतुल चंद सिन्हा, तहसीलदार अवधेश चतुर्वेदी, तहसीलदार बजरंग बहादुर सिंह, जनपद CEO राजू मेड़ा द्वारा किया गया। ग्राम पंचायतों के आरक्षण प्रक्रिया को जानने के लिए पूरे क्षेत्र भर में बड़ी संख्या में भाजपा कांग्रेस राजनीतिक दल के लोग शामिल हुए और सभी को पंचायत वार आरक्षण जानने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जनपद सभागार में प्रथम दृश्य ऐसा लग रहा था कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की शुरुआत आज से हो गई है। यह भी कहना गलत नहीं होगा कि जिस उत्साह के साथ पंचायत के नेता आवाज दे रहे थे, ताली बजा रहे थे, तो कोई नेता दुखी भी नजर आ रहे थे। हालांकि क्षेत्र कांग्रेस के विधायक विशाल जगदीश पटेल हैं और प्रदेश में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार है, यह तो लाजमी है कि हर कोई सत्ता की मिठाई को चखने के लिए तैयार रहेगा। अधिनियम 1983 के जो प्रोविजन है उसके अनुसार की गई है, 1955 का इलेक्शन रूल है उसके अनुसार की गई है, जिसमें अजा अजजा अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनारक्षित पंचायतों के आरक्षण की कार्रवाई की संपादित आज की गई है, जिसके तहत हमारे द्वारा जो है की गई है उसमें अजा वर्ग हेतु हमने 23 पंचायतों का आरक्षण किया है, अजजा हेतु 7 पंचायतें और अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 29 और अनारक्षित 58 पंचायतें आरक्षित की गई, जिसमें से महिलाओं हेतु महिला अजा वर्ग में 12 और महिला अजजा वर्ग में 3, महिला पिछड़ा वर्ग में 16 और महिला सामान्य वर्ग में 29 पंचायतों के आरक्षण की कार्रवाई आज संपादित की गई हुआ है। एक तो हमारी जनगणना 2011 जो सेंसस का डेटा है वो, और दूसरा इसमें रोटेशन चलता है तो सक्रानुक्रम हमने 1994 से लेके 2014 तक का चेक किया है कि उसमें सक्रानुक्रम कंप्लीट जिनका नहीं हुआ और पंचायत स्वतंत्र मोड में उनको लिया है या लॉटरी के माध्यम से फिर उनको निकाला गया। अभी की खबरों फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए ग्लोबल हेराल्ड न्यूज के साथ। धन्यवाद।